30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। हाय, मैं हूँ पूनम यानी कि जूही। नामकरण में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, इसके लिए देखिए Zoom TV की ये स्टोरी। ये है अवनी और नील का प्यार, इश्क और मोहब्बत। अवनी और नील के बीच दूरियां हो गई हैं खत्म और दोनों आ गए हैं एक दूसरे के बेहद करीब। आज नील का रोम रोम रोमांटिक हो गया है और वो कर रहे हैं अवनी के साथ रोमांस। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद अवनी और नील का ये इश्क वाला लव देखने को मिला है। में होता यह है कि मैं बाहर से आता हूँ, वो उसे लगता है कि बाहर गनशॉट हुआ है, तो वो वास लेके जा रही होती है, मारने वाली होती है। मैं देखता हूँ कि मैं हूँ और मैं बताता हूँ कि बाहर दिवाली के पटाखे जल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही है। देन एक मोमेंट पे हम दोनों का एक मोमेंट बनता है जिसमें हम लोग बहुत करीब हैं। ये क्या, इनके रोमांटिक मोमेंट में किसी ने अड़ा दी है अपनी टांग? और जनाब, ये कोई और नहीं, नील की एक्स गर्लफ्रेंड जूही हैं, जो अंधेरे में किसी चीज से टकरा जाती हैं और कर देती हैं लव बर्ड्स नील और अवनी को डिस्टर्ब। वैसे जूही को अवनी नील के बीच बढ़ रही नजदीकियां बिल्कुल भी रास नहीं आ रही हैं और वो हो रही है जेलस। हाँ, ऑफ कोर्स, एज अ कैरेक्टर जूही ऑफ कोर्स इसे जेलस फील होगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए, अगर किसी का फर्स्ट लव होता है तो, और वो फर्स्ट लव अगर मूव ऑन भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है मेरे मन में, तो है अभी भी। आई डोंट नो, आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस, सबके मन में होता है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ा सा जेलस होगा ही उसको कि ये सब क्यों उसकी आंखों के सामने आ रहा है, क्यों देखने मिल रहा है। जब पास्ट में उसने ये सब किया है तो अभी उसको देखने मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उससे थोड़ा तो बुरा लगेगा। Well, दूसरी तरफ नील तो अपने काम में बहुत बिजी हैं और अवनी को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, और इसी बात पर अवनी उनसे नाराज होकर चली जाती हैं। लेकिन नील कर रहे हैं अवनी के लिए सरप्राइज प्लान और देने वाले हैं उनको एक गिफ्ट। वैसे नील बिजी इसलिए भी हैं क्योंकि वो कर रहे हैं विद्युत को इंटेरोगेट, ताकि विद्युत से सारी सच्चाई कबूल करवाई जा सके। इंटरोगेशन के लिए रखा हुआ है उसे, बट मैं ऑब्वियसली उसे फेस नहीं कर रहा, डीडी इंटरोगेट कर रहा है, मैं बिहाइंड द स्क्रीन में उसे देख रहा हूँ और हम दोनों की टशन बाजी। एक टाइम पे वो मुझे बहुत यू नो ल्योर करता है कि मैं आके उससे बात करूँ, मुझे बोलता है कि डर गए कि सामने फेस टू फेस नहीं आ रहे, मैं जाके उसे बोलता हूँ कुछ, एंड बहुत ज़्यादा टशनबाजी हो रही है, यू नो व्हेन टू स्ट्रॉन्ग मैन दे फाइट हाउ इट हैपेंस। नील इंटरोगेशन में बिजी हैं तो अवनी कर रही हैं मिष्टी के साथ टाइम स्पेंड। लेकिन यहाँ अवनी के सामने आ गई है एक और परेशानी। दरअसल मिष्टी क्ले मॉडल्स बनाती है और उनको नाम देती है, और वो उसमें अवनी को अपने दोस्तों में इंक्लूड करती है, लेकिन जूही को नहीं, जिस बात से जूही बहुत परेशान है और बहा रही है आंसू। जी हाँ, मिष्टी जूही के लिए डॉल नहीं बनाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जूही को ख़राब लगी हुई है बात, क्योंकि वो उसकी माँ है। तो मैं मिष्टी को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि मिष्टी ये भी आपकी दोस्त है, ये भी आपसे बहुत प्यार करती हैं, सो इन्हें भी अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। बट मिष्टी अभी फ़िलहाल ये चीज़ मान नहीं रही है, क्योंकि वो उन्हें दोस्त मानती नहीं है, सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जूही और मिष्टी को मिला दूँ। Well, अब देखना दिलचस्प होगा कि जूही इन सब चीजों से परेशान होकर अवनी और नील की लाइफ में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, Zoom मुंबई। फॉर ऑल द गरमागरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द Zoom ऐप नाउ।